नमस्कार, आप देख रहे हैं जागो पंच। जागो पंच पूर्व वीडियो की भांति आज भी आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी और अंधविश्वास और पाखंड से जो हमारे समाज में ये जो ग्रंथ भरे पड़े हैं, उन ग्रंथों की पोल खोल, वो ग्रंथ हमारे समाज को गुमराह कर रहे हैं। हमारे समाज में एक तरफ तो मर्यादा पुरुषोत्तम की बात होती है उनके विषय में, दूसरी तरफ उनके अंदर अमानवीय गुणों की भरमार देखी जाती है। तो ये अमानवीय गुणों के बारे में यदि हम चर्चा करते हैं, हम बात करते हैं, तो लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं। लेकिन आज हम उन्हीं भावनाओं की बात करेंगे जो भावनाएं आहत होनी चाहिए, जिनसे वास्तविक रूप से दिक्कत होनी चाहिए, उन लोगों से दिक्कत नहीं होती। तो वो कौन सी बातें हैं, वो बातें मैं आज आपके सामने उसी पोल खोल के माध्यम से आपके सामने ला रहा हूं। तो आज हम जो पोल खोल में आपके सामने लेके आ रहे हैं वह है श्री गर्ग संहिता। श्री गर्ग संहिता गर्ग मुनि ने लिखी है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो गर्ग मुनि ने श्री गर्ग संहिता में ऐसा क्या लिख दिया कि जो एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादा को तार तार करता है। यदि यही कोई और लिखता या कोई ओबीसी एससी लिखता तो शायद इनकी भावनाएं आहत हो जाती, क्योंकि इनकी भावनाएं छुई मुई हैं। तो यहां पर हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है आज ये कि कैसे इनकी भावनाएं आहत नहीं होती अगर इनकी ही जाति का व्यक्ति उसको लिखता है। यहां पर मैं जो बता रहा हूं ये बहुत ही रोचक, मतलब आपको महसूस होगा कि कैसे ये लोग उन्हें मर्यादा भी बताते हैं, मर्यादित भी बताते हैं और हत्यारा भी बता देते हैं। तो आज मैं गर्ग संहिता में क्या ऐसा लेके आया हूं जो मैं इतने दावे के साथ कह रहा हूं कि राम अमानवीय, अमर्यादित और बदले की भावना से परिपूर्ण एक अमानवीय व्यक्ति थे, हत्यारे व्यक्ति थे, जिसका बदला लेने के लिए अपना बदला लेने के लिए अगला जन्म लेकर उन्होंने उस बदले को पूरा किया। यह मैं नहीं कहता, ये गर्ग संहिता कह रही है। गर्ग संहिता के लेखक गर्ग मुनि हैं। अब ये मैं आपको पूरा रेफरेंस सहित बताऊंगा। यह अध्याय श्री मथुरा खंड, जिसमें शीर्षक दिया गया है धोबी, दर्जी और माली के पूर्व जन्म का परिचय, जो पेज संख्या 191 में दर्ज है। तो अब यहां 191 में इन्होंने दर्ज क्या किया है, 191 में इन्होंने दर्ज किया है कि राम ने जो धोबी थे, जिनकी बातों को सुनकर राम ने सीता को वनवास भेज दिया था, तो वो वनवास जो भेजा था वह उस समय सीता को वनवास भेजने के बाद खार खाए बैठे हुए थे राम। उस जन्म में राम ने धोबी को कुछ नहीं कहा, लेकिन अगला जन्म जब आता है तो अगले जन्म में उन्होंने उसे मारने का काम किया। यह यदि ये गर्ग मुनि ना होते तो हम लोगों को पता भी न चलता कि राम ने अगले जन्म में जाके बदला ले लिया। यह तो बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है। तो आज ये महत्वपूर्ण बात आप स्वयं भी पढ़ें और मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। तो आइए चलते हैं गर्ग मुनि की बातों पर कि उन्होंने, गर्ग मुनि ने इस दसवें अध्याय में, श्री गर्ग संहिता के दसवें अध्याय में आखिर क्या लिख दिया जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की अमर्यादा को झलकाता है। आइए चलते हैं दसवां अध्याय श्री गर्ग संहिता, धोबी, दर्जी और सुदामा मालिक के पूर्व जन्म का परिचय।
यहां बहुलाश्व ने पूछा किससे, नारद से, यह वार्तालाप चल रहा था नारद से बहुलाश्व का, देवर्षि आपके मुख से मैंने भगवान श्री कृष्ण के पावन चरित्र का श्रवण किया, जैसे प्यासा प्राणी जल की इच्छा करता है उसी तरह मेरा मन आज श्री कृष्ण चरित्र को सुनना चाहता है। आपने कंस के पूर्व कर्मों का वर्णन किया और मैंने सुना केशी आदि बड़े बड़े दैत्यों के पूर्व जन्म की बातें भी मैंने सुनी। अब यह जानना चाहता हूं कि अहो, जिसकी महती ज्योति श्री कृष्ण में लीन हुई वह धोबी पूर्व जन्म में कौन था और श्री हरि ने उसका वध क्यों किया। तो आइए नारद जी क्या कहते हैं, यहां पर इसका अवलोकन करते हैं। नारद जी ने कहा, विदेह राज त्रेता युग की बात है, अयोध्यापुरी में श्री रामचंद्र जी राज्य करते थे। उनके राज्य काल में प्रजा की मनोवृत्ति एवं दुख सुख जानने के लिए गुप्तचर घुमा करते थे। एक दिन उन गुप्तचरों के सुनते हुए किसी धोबी ने अपनी भार्या से कहा, भार्या मीन्स पत्नी से कहा, तू दुष्टा है और दूसरे के घर में रह के आई है, इसलिए अब तुझे मैं नहीं रखूंगा। स्त्री के लोभी राजा राम भले ही सीता को रख लें किंतु मैं तुझे स्वीकार नहीं करूंगा। इस प्रकार बहुत से लोगों के मुख से अपेक्षा युक्त बात सुनकर श्री राघवेंद्र राम ने लोकापवाद के भय से सहसा सीता को वन में त्याग दिया। अब यहां पर देखिए, धोबी ने कहा जो बात कही थी कि मुझे राम समझ रखा है, जो दूसरे के घर में आए रह के आए मैं उसे कैसे रख लूं, और ऐसी बहुत सारी बातें जनता के मुंह से गुप्तचरों ने सुनकर सुनाई राम को। तो यह सुनने के बाद राम ने सीता को त्याग दिया। आइए, रघुकुल तिलक राम श्री राम ने उस धोबी को दंड देने की इच्छा नहीं की, उस समय दंड देने की इच्छा कोई नहीं की। वही द्वापर के अंत में मथुरापुरी में फिर धोबी ही हुआ। अब आप देखिए, पहले वो अयोध्या में धोबी हुआ, अब वही धोबी जन्म लेता है कहां, मथुरा में। जब मथुरा में जन्म लिया तब की कहानी देखिए, उसने सीता के प्रति जो कुवाच कहा था, उस दोष की शांति के लिए, मतलब उस द्वेष को जो उस समय हुआ था, ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने मन में कितना बड़ा द्वेष लेकर इस जन्म में आ गए। इस जन्म में आते ही उन्हें याद आया कि वो धोबी यहां जन्म लिया है और इसने सीता को बुरा भला कहा था, ये एक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की कहानी है। वो दोष में आ जाते हैं, आवेश में आ जाते हैं और क्या करते हैं, आप सुने। वह रघुकुल तिलक श्री राम ने धोबी को दंड देने की इच्छा नहीं की, वहीं द्वापर के अंत में मथुरापुरी में फिर धोबी ही हुआ। उसने सीता के प्रति जो कुवाच कहा था, उस दोष की शांति के लिए श्री हरि ने स्वयं ही उसका वध किया, यानी यहां उसकी हत्या कर दी। तथापि श्री करुणा निधि ने उस धोबी को मोक्ष प्रदान किया, यानी हत्या कर देना, बदले की भावना से हत्या कर देना, बध कर देना, वो मोक्ष प्रदान कहलाता है। क्या ऐसे ही राम राज्य को आप सब लाना चाहते हैं? आइए आगे चलते हैं। तथापि हाँ राजन, दयालु श्री कृष्णचंद का यह परम अद्भुत चरित्र मैंने तुमसे कहा, अब पुनः क्या सुनना चाहते हो? अब आपने यहां पर ये सुना कि नारद ने जो बताया, और जो नारद ने बताया वह कलम किसकी है? यह कलम है गर्ग मुनि की। गर्ग मुनि को क्या अधिकार है कि वो राम की इज्जत ले ले? लेकिन
पुस्तक पढ़ने के ना आदि, किताबों को ना पढ़ने का आदि हमारा समाज, हमारे समाज के लोग, वो मेरी भाषा समझ के उनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं, जबकि इनके ग्रंथ ही आहत का पुलिंदा है। अगर राम को आपने भगवान मान लिया था, भगवान समझ लिया था, तो गर्ग मुनि को आपने राम का बलात्कार करने का अधिकार क्यों दिया? गर्ग मुनि ने राम को हत्यारा क्यों बताया और दूसरी तरफ मोक्ष का उसे मोक्ष भी दे दिया? यह कैसे कह सकते हैं बध देना क्या मोक्ष मिलना है? मोक्ष का मतलब क्या हत्या है? यह बड़ा ही संदिग्ध सवाल है। हमारे समाज के लोग, हमारे ओबीसी एससी इन भावनाओं को नहीं समझ पाते कि आखिर ये हमारी हत्या भी कर दें और हम उसे मोक्ष समझ बैठे। तो क्या हमारा ये ओबीसी एससी समाज सभी उनके हाथों मरने के लिए इतना ललायित है? कौन सा मोक्ष मिलेगा? मोक्ष का मतलब मृत्यु है, क्योंकि आज तक किसी का पूर्वज स्वर्ग से या जो भी लोक हो जहां पर लोग पहुंच गए हैं मरने के पश्चात, क्या वो वापस आकर यहां पर कुछ बताए हैं या किसी को आगे अपने पूर्वजों से इस तरह की कोई मुलाकात हुई है? तो उसका मोक्ष हुआ कि नहीं, हम ये विश्वास कैसे करें? तो इसे हम मोक्ष नहीं हत्या मानेंगे। और यहां पर देखेंगे कि मर्यादा पुरुषोत्तम अपने उस राम सीता के समय के काल में उस क्रोध की अग्नि से कितने भयंकर रूप से जल रहे थे कि यहां पर उस धोबी को पाकर उसकी हत्या कर देते हैं। और आप सभी उस हत्या को हत्या नहीं मानते। अगर मैं बोल रहा हूं कि हत्या है तो आप सभी भी इस पे थोड़ा विचार करें कि यदि उस धोबी ने उनकी पत्नी को बारे में ऐसा कह दिया था तो उसी समय वो हत्या कर देते और अपनी पत्नी को ना निकाले होते, उस धोबी की हत्या किए होते, तब समझ में आता कि राजा राम ने न्याय करते हुए धोबी ने गलत प्रवचन किए थे तो उस धोबी को हत्या, उसकी हत्या कर दी, उसका वध कर दिया, वो न्यायिक होता। लेकिन उसे पिछले जन्म की सजा दूसरे जन्म में ले जाकर दी, यह मर्यादा पुरुष नहीं अमर्यादा का साफ साफ उदाहरण है। क्या उस समय राम के हाथों में चूड़ियां थी जो उसे त्वरित सजा ना दे पाए? तो साथियों, इसी तरह के उद्धरण आपके सामने मैं लाता रहूंगा और आपको जगाने की जिम्मेदारी ली है कि मैं इन्हीं के ग्रंथों से इनकी पोल खोल, इनके पाखंडों को उजागर करूंगा। क्योंकि जब इन्होंने लिखा है तो निश्चित तौर पर भूल तो कहीं ना कहीं की होगी। जो लिखता है उसे यह नहीं पता होता कि आगे चल के इसमें क्या हो सकता है। तो हमारे जैसे जो पढ़ने वाले लोग हैं, जो ढूंढने वाले लोग हैं कि आखिर राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कैसे, भाई बहुत सारे लोग देश में हैं जो एक पत्नी व्रत हैं, वो क्या मर्यादा वाले हो गए? उन्हें तो कोई मर्यादा नहीं कहता। आज तक मर्यादा पुरुषोत्तम दूसरा ना हुआ तो दिमाग में ये खटका कि नहीं, ये चेक किया जाने का विषय है। ईश्वर कैसे हो गए जब अनेकों लेखकों ने तरह तरह से राम के चरित्र को घिनौना बताने का काम किया है। और जो वो चरित्र उनका घिनौना जिस तरह से रिप्रेजेंट किया है,
यदि वो ईश्वर होते तो निश्चित तौर पर उन पुस्तकों को एक बार ऐसे हाथ उठाते तथास्तु, सारे भस्म हो जाते। तो यहां पे ऐसा नहीं हुआ। तो ये जिनकी भावनाएं आहत होती हैं वह अपने ग्रंथों को ढूंढ के, अपने ग्रंथों को समझ के वो पन्ने फाड़ के फेंक दें जिसमें ऐसे ऐसे गर्ग मुनि ने विचार डाले हैं। तो मैं नहीं पढ़ूंगा लेकिन मुझे मिलेगा तो मैं लेके आऊंगा और अपने समाज को भी बताऊंगा। अरे भाई मेरे जागो कि आप अंधविश्वास और पाखंड में डूब रहे हो। ये लोग हत्यारे हैं और इन हत्यारों की पूजा बंद कर दो। आई इसी के साथ मैं चाहूंगा कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें और जो नए साथी हैं वो सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें जिससे हमारा जो अगला वीडियो आए तो त्वरित आपको संदेश मिल जाए। इसी के साथ आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार।